बस अब ये इंस्टॉल। ओके तो चल अब जल्दी इंस्टॉल हो जा। अरे हो भी जा, फोर्टनाइट खेलूंगा आपसे मैं। इंस्टॉल्ड, ओपन करते हैं। अरे भाई एपिक गेम्स का लोगो आ गया है, फोर्टनाइट खेलने के लिए तैयार? चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी। यस, क्या डिवाइस नॉट सपोर्टेड? मतलब मेरे फोन पे फोर्टनाइट सपोर्ट नहीं करता? ओह नो बाप मैन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वायरल बंदा। मैं होली शाह खान। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड पर एकदम से बारिश हो गई है बैटल रॉयल गेम्स की, जैसे कि फ्री फायर, पबजी और फिर अब आया है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। पर गेम्स की दुनिया में वो गेम जिसका हमें बहुत ही दिल से इंतजार है वो है फोर्टनाइट मोबाइल। गाइस फोर्टनाइट जो अवेलेबल तो है बीटा टेस्टर्स के लिए, पर सारे फोन पर वो गेम अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि लो बजट डिवाइसेस है उस पर ये गेम बिल्कुल नहीं चलने वाला, ऐसा फोर्टनाइट वालों का कहना है। पर हम जो है फोर्टनाइट खेले बिना रहने नहीं वाले। तो गाइज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं फोर्टनाइट मोबाइल आपके किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर। तो गाइज फोर्टनाइट मोबाइल जो है वो अवेलेबल है बिग बजट डिवाइसेस यानी कि सैमसंग जैसी डिवाइसेस, सैमसंग गैलेक्सी S10, S9, S8। पर लो बजट डिवाइसेस के लिए ये गेम बिल्कुल भी अभी रिलीज नहीं किया गया है। अगर आप ये गेम डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन पर तो डिवाइस नॉट सपोर्टेड का एरर आपको मिल जाएगा और आप गेम का जो डेटा है वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। पर आपके लिए मैं जो ट्रिक लाया हूँ वो आप किसी भी फ़ोन पर फोर्टनाइट मोबाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज इस बार भी आपके फ़ोन पर रूट एक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। गाइज मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ उसमें 50% वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें आपको रूट ज़रूरी होता है। तो गाइज इस वीडियो में भी आपको रूट एक्सेस होना ज़रूरी है आपके फ़ोन पर। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम कर सकते हैं इंस्टॉल फोर्टनाइट अपने किसी भी फ़ोन पर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फ़ोन जो है वो भी रूटेड है मजिस्क के थ्रू। तो ये रहा मेरा मजिस्क मैनेजर, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो मेरा फ़ोन जो है वो रूटेड है और मजिस्क जो है वो मेरा अप टू डेट है। तो आप भी अपने मजिस्क मैनेजर को अपडेट कर लीजिए, और अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो मजिस्क के थ्रू आप अपना फ़ोन रूट कर लीजिए। इसके लिए आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं आपके फ़ोन के लिए कि आपके फ़ोन को कैसे रूट करना है। तो जैसे ही आपका फ़ोन रूट हो जाए आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो गाइस इसके बाद आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। गाइस रूट होना ज़रूरी है, उसके बाद हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ पर हमें एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसको कहते हैं बिल्ड डॉट प्रॉप एडिटर यानी बिल्ड प्रॉपर्टीज एडिटर। तो गाइस इस ऐप को रन करने के लिए रूट जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि पहले फ़ोन रूट कर लो, उसके बाद आप डाउनलोड करो बिल्ड प्रॉप एडिटर प्ले स्टोर से। गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जितने भी डाउनलोड लिंक दिए हैं आप वो सारी फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए। उनमें ये तीन फाइल्स रहेंगी, एक होगा जीएल टूल्स बाय वायरल बंदा और एक होगा फोर्टनाइट इंस्टॉलर, या तो आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक होगा fortnite.txt। तो गाइस ये जो fortnite.txt फाइल है ये हमारी मेन फाइल्स में से एक है। तो गाइस इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसे ES Note एडिटर में ओपन करेंगे। गाइस इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी बिल्ड डॉट प्रॉपर्टीज की, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन जो है बिल्ड डॉट प्रॉप एडिटर में एडिट करनी है। तो चलो गाइस अब हम ये करके दिखाते हैं। तो गाइस अब हम खोलते हैं हमारा बिल्ड डॉट प्रॉप एडिटर। तो गाइस ये रहा हमारा बिल्ड डॉट प्रॉप एडिटर। इसको रन करने के लिए मजेक रूट की ज़रूरत होगी, तो उससे ग्रांट कर दें आप परमिशन। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रही हमारी बिल्ड डॉट प्रॉप इन्फॉर्मेशन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी बिल्ड डॉट प्रॉपर्टीज़ का जो बैकअप होता है वो बना लें। तो सबसे पहले मैं नेट बंद कर दूंगा वरना ये मुझे ऐड दिखाता रहेगा। तो चलो गाइस अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसे एक बार फिर ओपन करता हूँ। तो ओके गाइस आप देख सकते हैं ये रही मेरी बिल्ड डॉट प्रॉपर्टीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे पहले आप बिल्ड डॉट प्रॉपर्टीज़ का जो है वो बैकअप बना लो, उसके बाद ही बिल्ड प्रॉप एडिटर से हम एडिट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस बैकअप मैंने बना ली है, आप भी अपने बैकअप बना लो, उसके बाद हम इस टेक्स्ट फाइल से कंपेयर करेंगे हमारी बिल्ड डॉट प्रॉप। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं ro.build.flavor है, इसको बियॉन्ड टू LTEXX पर हमें सेट करना है। तो ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया मैंने, अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे ro.build.flavor। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी, तो आप भी इसे सेट कर दें यहाँ पर और सेव कर दें क्लिक करने के बाद। इसके बाद हम बैक जाएंगे हमारी टेक्स्ट फाइल में वापस और हम देखेंगे यहाँ पर है ro.product.model यानी हमारी सेकेंड लाइन जो है। सो तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं SMG97F को, और हम यहाँ पर बैक जाएंगे बिल्ड प्रॉप एडिटर में सर्च करेंगे ro.product.model। तो product.model, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा है Redmi Note 4। इसे एडिट करके हम कर देंगे जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट सैमसंग का मॉडल नंबर और इसे सेव कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सेव हो गया है। गाइस हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसी तरह सारी वन बाय वन एडिट करके सेव कर दें। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
गाइस ये होगा हमारा लास्ट सर्जेंट। अब हम इसे सेव करके बैक जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमने जो चेंजेस करे थे वो सेव हुए नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑर्डर प्रोडक्ट डॉट मैन्युफैक्चर मॉडल। तो अगर आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो गाइस हमने जो एडिट करना था वो कर चुके हैं, हमारा 50% काम जो है वो तो हो ही चुका है। गाइस अब हम इंस्टॉल करेंगे DL टूल्स बाय वायरल बंदा एप्लीकेशन को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में था, आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लें। तो गाइस इसे इंस्टॉल होने देते हैं पहले हम, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। इसे आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसे ग्रांट कर दें। इसके बाद जो आपको दो बटन दिख रहे हैं ऊपर वाले एग्रीमेंट्स वाले बटन, इन पर क्लिक करके बॉटम वाला जो बटन है इंस्टॉल यूजिंग मैजिक सिस्टम लेस, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद 10-15 सेकंड रुकने के बाद आपको स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। जैसे ही वो मैसेज आ जाए हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैसेज आ गया, अब हम जाएंगे बैक। गाइस अब हम इस ऐप को क्लोज कर देंगे और हम जाएंगे अब हमारे मैजिक मैनेजर में। तो ये रहा हमारा मैजिक मैनेजर। तो गाइस हम यहाँ पर स्वाइप राइट करेंगे डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो गाइस ये लो, और हम जाएंगे मॉड्यूल्स में और यहाँ पर जो आपको प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा SD कार्ड खुल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर एक नई जिप फाइल मिलेगी, इंस्टॉल GL टूल्स मजेस। तो ये GL टूल्स ने जो जिप फाइल एक्सपोर्ट की थी वो हमारे SD कार्ड में मिलेगी हमें रूट में। तो गाइस इस जिप को हम इंस्टॉल कर लेंगे मजेस के थ्रू। और उसके बाद जो आपको ये बिग रिबूट बटन दिख रहा है हमें इस पर क्लिक करना है सिंपली। तो मैं रिबूट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमारा फ़ोन हो चुका है रिबूट। तो गाइस सबसे पहले अब हम जाएंगे सेटिंग्स में ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो चेंजेस करे थे वो सेव हुए नहीं। तो आप देख सकते हैं अबाउट फोन में G9 S75 दिखा रहा है जो हमारा पहले Redmi Note 4 दिखाता था। तो गाइस यानी हमारा जो चेंजेस थे वो हो चुके हैं सक्सेसफुली कंप्लीट। और यहाँ पर आप मॉडल नंबर भी देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो गाइस हमने जो काम करना था वो कर चुके हैं। अब हम सिर्फ इंस्टॉल करेंगे हमारी Fortnite एप्लीकेशन को। तो चलो हम जाते हैं बैक और इंस्टॉल करते हैं Fortnite एप्लीकेशन को। तो ये रही हमारी Fortnite एप्लीकेशन। आप इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो गाइस इंस्टॉल होने दो। तो ये इंस्टॉल हो गया है, इसको डन कर देंगे, ओपन नहीं करेंगे। पहले हम जाएंगे GL टूल्स में। तो गाइस ये रहा हमारा GL टूल्स। तो इस बार जब इसे आप खोलोगे तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपके बहुत सारी ऐप्स की लिस्ट दिखेगी। इसमें आपको ढूंढना है Fortnite इंस्टॉलर। तो गाइस हम जाएंगे Fortnite इंस्टॉलर पे। तो ये रहा Fortnite इंस्टॉलर। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ बैक करके। तो बैक, और ये रहा Fortnite इंस्टॉलर। और आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा सबसे पहला, इसे इनेबल कर दें। और फिर हम नीचे चलेंगे हमारे यहाँ पर यूज़ फेक GPU इन्फो पर क्लिक कर देंगे। फिर यूज़ फेक CPU रैम इन्फो, एडवांस रैम स्पूफिंग, यूज़ अ टेम्पलेट। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे Adreno 630। याद रखें यूज़ अ टेम्पलेट, Adreno 630 या फिर जो भी मैक्सिमम Adreno वर्जन आपको दिखे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम ढूंढेंगे एमुलेशन ऑप्शंस। यहाँ पर हमें दिखेगा सिंपल मैप बफर एमुलेशन, इसे हम इनेबल कर देंगे। गाइस बस हमें इतना ही करना था GL टूल्स में। तो अब हम जाएंगे बैक। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा 100% काम जो है वो कर लिया है। सिर्फ अब हमें करना है मोबाइल डेटा को इनेबल, उसके बाद हमें ढूंढनी है हमारी Fortnite इंस्टॉलर एप्लीकेशन। तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है। तो एफ, यस ये रही Fortnite इंस्टॉलर, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो गाइस एपिक गेम्स का लोगो आ चुका है। तो अब क्या क्या होता है वो हमें आगे देखना है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल डेटा डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, कोई डिवाइस नॉट सपोर्टेड का एरर नहीं है गाइस। तो अब हम यहाँ से मोबाइल डेटा से जो Fortnite का बाकी रिमेनिंग डेटा वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हमें डिवाइस नॉट सपोर्टेड का एरर नहीं आने वाला है। हमने सक्सेसफुली Fortnite इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन पर। आप देख सकते हैं कि प्रिपेयरिंग होने के बाद डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुका है और 1% 2% और बढ़ते जाएगा ये। तो गाइस अभी मेरे पास डेटा नहीं है इसका पूरा डेटा डाउनलोड करने के लिए, तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा अभी। तो गाइस जैसे ही मैं इस गेम को डाउनलोड कर लूँगा आपको गेम प्ले ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं सेटिंग में जाकर आपको दिखा देता हूँ एक बार वो कि ये वही फ़ोन है जिसको मैंने एडिट कर दिया था बिल्ड आउट प्रॉपर्टी से, आपको भी वही करना है। तो आप देख सकते हैं मीडो दिखा रहा है यहाँ पे, यानी Redmi Note 4 ही है। गाइस आप भी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं Fortnite। जैसे ही गेम डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको Redmi Note 4 पर ही इसका गेम प्ले भी ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।